हेलो गाइस, तो आप ये 17 अक्टूबर 2022 का लेटेस्ट वीडियो देख रहे हो। जैसा कि आज मैंने आपको बताया था कि मेरे जो गेस्ट हैं जिनका नाइट स्टे कैंप है, आज इन्होंने डाइनकुन पीक का ट्रैक किया है और आज अभी हम शाम को पहुंच गए अपना काला टॉप कैंप साइट पे। तो यहीं पे मेरे गेस्ट का नाइट स्टे कैंप है। आप देख रहे हो किस तरह के टेंट यहाँ पर लगे हुए हैं और कितना अच्छा नाइट में बढ़िया व्यू मिल रहा है देखने को। इधर देखिए आसपास का एरिया, काला टॉप कैंप साइट, आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हो। माय नेम इज़ मिस्टर विवेक कुमार, जैसा कि आप नाम से मुझे जानते हो। तो आज इनकी नाइट स्टे कैंप हो रही है और साथ में इनका बोन फायर स्टार्ट हो चुका है। और अभी ये हमारा एकदम अर्ली मॉर्निंग 18 अक्टूबर 2022 का मॉर्निंग फॉरेस्ट ट्रैक है, जो मैं आपको कल बताने वाला था कि काला टॉप में आपको मैं फॉरेस्ट ट्रैकिंग बताऊंगा, थिक फॉरेस्ट का, जिसमें पूरा देवदार ट्री से घिरा जंगल है। ये आसपास में जो भी आपको ट्री दिख रहे हैं इसको बोलते हैं अपना देवदार ट्री, साइंटिफिक नाम बोटैनिकल नाम इसको बोलते हैं सेडार। 6000 फीट में आपको देवदार मिलेगा, उसके नीचे वाले एरिया में आपको पाइन ट्री मिलेगा। तो अभी हम जंगल ट्रैक कर रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग का वीडियो है, अप्रोक्सली 7 बजे के आसपास का ये वीडियो है। आप देख रहे हो जंगल का थिक फॉरेस्ट का व्यू किस तरह का देखने को आपको मिलेगा। इस तरह के बड़े बड़े ट्रीज बीच में पड़े होते हैं, जिसमें से आपको बीचों बीच में से पास करते हुए इस तरह से आना पड़ सकता है। ये मेरे गेस्ट देखो कैसे वन बाई वन होके आ रहे हैं। काफ़ी घना जंगल है ये, 69 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। तो काफ़ी जंगली जानवर भी इसमें पाया जाता है, थोड़ा केयरफुल होके ही जाना पड़ेगा बातचीत करते हुए, नहीं तो जानवर का तो ब्लैक बेयर इसमें सबसे डेंजर जानवर है यहाँ का, एकदम से अटैक कर देता है बिना गाइड के। तो इतना घने जंगल में आना मतलब ही नहीं है, क्योंकि देखिए बाहर से आए गेस्ट को तो मालूम नहीं है कि जंगल में कितना डीप जंगल है। ये काफ़ी घना जंगल है। काला टॉप टू खजियार के लिए 12 किलोमीटर का ट्रैक है, जिस ट्रैक पर अभी हम निकल रहे हैं, जिस ट्रैक को हम कर रहे हैं, बट हम इतना लंबा ट्रैक नहीं करेंगे क्योंकि आज इनको बाई गाड़ी से ट्रैक खजियार को भी विज़िट करना है। मॉर्निंग टाइम पे आपको इस तरह के व्यूज़ आपको देखने के मिलेंगे। ये जो आप लाइट्स जी दिख रही है आपको, ये सूरज का सन पड़ने से इस तरह का रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है लाइट्स का। सो गाइस, आप देख सकते हो मॉर्निंग टाइम में इतना अच्छा अच्छा व्यू देखने को मिलते हैं। अर्ली मॉर्निंग में ट्रैक करना तो एक अलग ही बात है जंगल की। हेलो मैम, और काफ़ी खुश है ये, आप देख रहे हो इनकी से ही आप देख सकते हो कितना खुश है ये ट्रैक पे। फर्स्ट एक्सपीरियंस लग रहा है मुझे इनका, ये राजस्थान से आए हुए हैं, जयपुर के ये गेस्ट है अपने। और जंगल का पूरा लुत्फ़ उठा रहे हैं, इधर ट्री से घिरा ये पूरा जंगल और सूरज की सन मॉर्निंग टाइम पे देखो कितना अच्छा व्यू देखने को मिल रहा है। सो गाइस, आप ज़रूर विज़िट कीजिए डलहौजी हिल स्टेशन में, ट्रैकिंग कैंपिंग एडवेंचर एक्सपीरियंस के लुत्फ़ तो उठाइए। मेरा ऑनलाइन गूगल पे आइए काला टॉप कैंप साइट पर, डलहौजी काला टॉप कैंप.com के नाम से अपना खुद का वेबसाइट रहेगा, उस पर विज़िट कीजिए। बाकी यही वीडियो मैं अपना फिर से अपना यूट्यूब पर अपलोड करने वाला हूँ। प्लीज़ बढ़िया लगे सर तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड लोगों को बताइए कि जंगल ट्रैक किस तरह के होते हैं और डलहौजी में। अभी विंटर टाइम पे इधर इतना हैवी स्नो पड़ेगा दिसंबर टू मार्च में कि ये जो भी आपको ट्रैक्स दिख रहा है, रूट दिख रहा है, ये तो मानो ऐसा लगता है नहीं कि ये रूट है भी। कितनी हैवी स्नो चली जाती है कि तकरीबन 5 फीट से अब स्नो नॉर्मल इस जंगल में देखने को मिलेगी। ये देखिए सूरज का रिफ्लेक्शन कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है, ये देखिए उसम गजब ने लाजवाब इसको बोलते हैं। इसलिए मैं कहूँगा सर, आप डलहौजी हिल स्टेशन में आते तो इस तरह के ट्रैक्स को बिल्कुल मत छोड़िए। हाँ बस पहुँचे ये ऑलमोस्ट अभी हम एक व्यू पॉइंट पे पहुँचे, जस्ट ऊपर भी जहाँ से आपको एकदम पीर पंजाल रेंज का व्यू पॉइंट देखने को आपको मिलता है। और अगर एकदम अर्ली मॉर्निंग में गेस्ट इधर पहुँच जाता है अप्रोक्सली 6 o'clock के आसपास, तो शायद आपको, शायद क्या मतलब कि कन्फर्म आपको यहाँ से सनराइज़ भी देखने को मिल सकता है।
सनराइज जिसको बोलते हैं, सूरज स्टार्टिंग से निकलना, वो भी आपको स्वाभाविक दिख सकता है। देखो एकदम डार्क जंगल है, कितना घना जंगल है, एकदम सुबह के टाइम में तो व्यू ही एकदम अल्टीमेट देखने को मिलता है। इतना क्लियर व्यू दिख रहा है, आप देख सकते हो कि मॉर्निंग एंड शाम के टाइम का फोटो एंड वीडियो ही एकदम डिफरेंट आता है। अभी देख रहे थे, अभी अलग से एक रूट कट गया था, इसीलिए देखो गाइड को हायर करना बहुत ज़रूरी है, लोकल गाइड्स को, क्योंकि ये जंगल इतना घना है कि एक बार बंदा गुम हो गया तो मानो पता नहीं चलेगा, उस जंगल में ही घूमता फिरेगा। सूरज का रिफ्लेक्शन को देखिए आप, इस चीज़ को आप चेक कीजिए, ये मॉर्निंग टाइम में ये चीज़ें देखने को मिलती है। सो गाइस ऑलमोस्ट अपना वीडियो कंप्लीट होने वाला है, मेरा यूट्यूब है ये dalhousiecolourtopcamp.com के नाम से।